अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे, और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहां रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज जो ऐसा समझ लें जो कल ना मेरे दो अपलोड हुए ब्लॉग, एक सुबह हुआ है और एक हुआ है जी शाम को। उसकी रीज़न क्या थी कि नेट बहुत ज़्यादा स्लो था, जिसकी वजह से आप ये देखें कि मेरी 20 मिनट की वीडियो भी आप तक नहीं पहुंच सकी है ना। आज मैं हस्बैंड को कह रही थी कि मुझे नेट और लगवा कर दें, क्योंकि मैं ऑनलाइन स्टडी करवाती हूँ, वो भी मैं ना अपने डाटा पे करवा रही होती हूँ, कि मेरे ना वाईफाई का नेट बहुत ज़्यादा स्लो है, और अगर मैं मोबाइल डेटा पर सब कुछ करने लग जाऊँ तो अभी मुझे इनकम ज़रा भी नहीं है और मेरे खर्चे इतने इतने होते रहे, सो इसीलिए माजरत। और आइंदा मेरी कोशिश होगी, गलती मेरी अपनी थी, अगर मैं रात को अपलोडिंग करने रख दूँ सुबह तक हो जाता, लेकिन आज जो ना कंप्लेन करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मॉर्निंग का टाइम है और अब 7 बजने वाले हैं, और मेरे घर का ना मुकम्मल काम जो ना हो चुका है, जो कि हानी मेराज कैमरा मैन बनी भी आप पूरे घर का विजिट करवा के आती है, और उसके बाद इनको मैं नाश्ता करवाऊँगी। सबसे पहले कैमरा ये लेकर आई है जी मेरे कमरे में, जहाँ मेरे बच्चे जो है ना बैठ कर तैयारी, इनको तैयारियाँ करवा के गई थी ना सारा नहला वला के। अब आ गई है जी, ये देखिए ये ड्राइंग रूम में हानी विजिट करवा रही है, मैंने वॉइस ओवर किए याद रहे आपको, ठीक है। यहाँ आ चुके हैं जी गंदुम वाले कमरे में, और ये है जी इनका अपना रूम जो कि बस फैला हुआ है, और मुझे जरा नहीं बर्दाश्त होता है इनका ये रूम। जब भी मैं आती हूँ इन बेचारियों को डांट पड़ती है कि अपना रूम तो कम से कम देखिए। सुबह हमारा जाना काम हो चुका है घर का, और घर का काम जितना वो मेन होता है सफाइयों का, जब घर की सफाइयाँ हो जाए तो समझ में सारा काम ही हो जाता है। किचन बच्चे रात को ही समेट के रखते होते हैं, और बच्चों ने भी सबने तैयारी कर ली है, उम्मा और हमजा को तो मैंने नहला दिया था, उसके बाद जरा नाश्ते पर आई हूँ। जैसे ही हम यहाँ से फ्री होते हैं ना फिर आपसे मिलते हैं। तो फिलहाल जो ना जितना हमने अब रोटियां बनानी थी ना वो हमने पेड़े ले लिए, तो छोटे बच्चों का नाश्ता भी लेंगे, इसके ऊपर प्लेट देते हैं और इसको रखते हैं जी। बच्चों को ले लो, हमें आपकी चाय है ये देखें, ये बाहर बैठ कर ना ये लो आ रही, जाओ ये पहले ले जाओ। ये लो, नहीं नहीं ये दो प्लेट हैं, ये लो आराम से काबू कर, मैं चीनी देती हूँ। काबू काबू काबू, सबके अलग अलग रख दो। ये लो हमजा, खड़े हो जाओ, ये पकड़ो, जल्दी खाना शुरू करो। सालन दूँ साथ थोड़ा सा, ओए सालन दूँ सालन ना, सब मिल के खाना ठीक है। कल मैंने जो पूड़ियों का सालन बनाया था ना वही, अब अंडे पड़े नहीं, ये लो। दूध भी हमारा जो है वो आ चुका है, चलो तू भले जाओ। नाश्ता जो है ना बच्चों ने कर लिया, आज सारे अभी स्कूल जा रही है, इधर मैंने देखो बच्चे गए हैं जी चले, और हम कर रहे हैं नाश्ता, उसके बाद साले जाने, इसने जाना है शुगर मिल, इसके भी हम कोर्स का पता कर रहे थे। साहब को तो कहेंगे जड़ा की जड़ा, इन्हें मार तो बाय मत सोया, ये सीन भी क्यों, ये इसकी बहन से बात की है, मेरी नकले उतार रहे हैं। है आप ठीक है, ये मुझे पहचाना, ये सब वो आपसे इंफॉर्मेशन देनी है। हुआ कि केड़ी मैं जो है ना सालिया, उसके एडमिशन को आप ही के स्कूल में है ना, उसके दाखिले तो चले गए ना 9th का, ये केड़ी में जा रही है ना,
असल में मेरे जो हस्बैंड है वो जो बेचारा हुआ वो किडनी का ऑपरेशन हुआ ना, ऑपरेट हुआ है तो बेचारे को जो है ना, तो मैंने कहा पहले पूछ लूँ वो 10th क्लास की अगर बुक्स आ गई हैं तो मैं फिर सारे अभी बोला मम्मा वो आ लूँ। मैं इसी बारे में आपसे वो इंफॉर्मेशन ले रही थी। अब वो वहाँ के चुप तक कर हमारे पूछ के तक कुछ नहीं आता है ना, क्या थी थैंक यू। अभी इसकी सारे टीचर का फिर आना है फोन तो फिर पता करेंगे डेट मॉडल पे फैंसी रस मिल गई फोन कोबरा पेपर तो लिखे पढ़ा छूता रहे क्या अंग्रेज है यार बस बेवर्स क्या पूछते हो यार खुदा दी कसम 172 बक्का रखी है ना दे तू समझो सही वो काल में एक दली को शक्कर दी कोल ही काला तवा वो जो दुपट्टा ओ दीदी हां मर दिया मैं करता हूं ये। अच्छा भाई ये हम शुरू थी वैसे ना सलाड पोस ओके व्यूअर्स थैंक यू। अच्छा किसके मतलब मैं आज भेज हूं अच्छा अच्छा चले ठीक हो गया थैंक यू तो वहां तो मां अबू करे मास नहीं मिल रहा था सारे अब जल्दी आ तेरी मां के एक्शन मैंने कौन सा एक्शन मारा है मैंने एक्शन मार लिया था मेरे को एक्टर नाम हुए आप बता रहे मैंने एक्शन मारा है अब्बू को देख इसका मतलब मैं सारी अब भाई देखिए हर हर बात का मेरा वो करते हैं मजाक उड़ाते हैं हर हर बात का। चलो हूँ बस उठो ये जा रहे हैं जी खुद छोड़ने क्योंकि रिक्शे वाला लेट है वो आ नहीं सकता कह रहे हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं अपने वास्ते पेन डाल दा पत्ता गिद्दी आओ। इन्होंने लेने जाना है जी सालिया की बुक्स क्योंकि सालिया का एडमिशन और स्कूल में और ये क्लास और स्कूल में लेती है ना। तेरे पुते खड़ते हैं किसने कहा क्लास में जाओ हंसी मजाक थोड़ी सी कर लेते हैं फिर ऐसे ही हो जाते हैं काफी इनकी हालत जो है ना वो बिगड़ चुकी है। अच्छा अब इनको देना है दूध मामा जो पहले वाला पुराने वाला दूध नहीं पड़ा वो मेरे पास ले आया उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के लेती है ठीक है। यार घूमा की मेरे वो मशीन अब हम बना लेते हैं जी दूध इनका जल्दी जल्दी
ग्लीस अलग स्टील अलग पे मेरे गोल पता नहीं के है तो क्यों ही मैं मेरे नाल लड़ दे वे आप पहले मैंने मुंह दे मार गया ये वाला नहीं वो मैंने मैंने प्लास्टिक मारा वो नहीं पहनी सही था इन्हें मुंह दे मार बंद करे भेड़ पटकी उठो ना वो मरे पावता सही वे छिती थी मैं चुप करे सेठ आते हमने पूरी अलमारी इनकी खोली है ये देखें ये अलमारी देखी है आईडी कार्ड नहीं मिल रहा था और हम कितनी देर हो गई हमें एक घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते आईडिया मैंने दी साफ है तो अभी आपको मैं दिखाती ना लाइव तो आपको लग पता जाता कि कैसे हम पागल हुए हुए थे आईडी कार्ड के पीछे ये हमारी अलमारी है इसको हमने पूरा ऊपर से नीचे तक खाली किया है शुक्र है मिल गए वो वाले कार्ड अब दे दो ये देखें यहाँ इनके कागज़ पड़े होते हैं और ये इनका ये देखें ये देख रहे हैं ये लॉक लगा होता है इनकी देखें यहाँ इनके जो कपड़े पड़े हुए थे ये हमने सारे देखे और अब मिल गए बस हूँ भैया कोई काम चलो मेरा आईडी कार्ड तो मैं कड़े हो टाइम हो चुका है मैं यहाँ दिखाती हूँ ये देखें 12 बजने वाले हैं और धूप आज बहुत ही ज़ोरों पर है और बादल लग तो रहा है कि मौसम चेंज होने वाला है गर्मी बहुत ज़्यादा है फिर अंदर खड़े करो चाहिए ई कमरे च आसी दाने जो फिर जी आज बोलो बस कहीं खड़े स्टडी कर रही है हाँ बस ठीक है धूप ते सड़ सी खड़ी अलाउ थी गई छुट्टियाँ क्या नहीं अलाउ थी ए वाली अंदर खड़ी कहने की थी है साले पिघल वैसी हमें कितनी दफा आके मैं ये पंखा चलता पे बैठक था बंद कर दे पंखा चल रहा है अभी यहाँ लेटे हुए थे और अब तबीयत इनकी सही नहीं है ये टीवी के पीछे यहाँ होते हैं और ये नीचे डॉक्यूमेंट सारे इन्होंने रखे हुए दोबारा छुट्टियाँ करनी है पंखा जो है ना उसको करते हैं जी बंद और ये दोबारा ही हमार को बनना आई पिया तो सही एक दफ़ा चेक करवाओ अच्छा उलसाओ ना बुखार नहीं छुड़ेंदा पिया मेरे को एक दफा मिल लाओ आऊं हम चल रहे हैं हमारा रिक्शा आगे पहले मैं ला पिया चलो ठीक है अच्छा अल्लाह हाफिज़ और ये जो शिद्दत की गर्मी और आपको लिया कि हम विजिट करवाते हैं गलियों का ये गर्मी भी शिद्दत की है और चहल पहल भी शिद्दत की है
एयर स्टूडेंट का ड्राइवर जो है ना हमें नेक्स्ट जगह पर छोड़ देगा। ज़्यादा मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट भी ऐसे हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं। दो ट्यूशन मैंने पढ़ा लिए हैं, तो आगे हमने जाना है, तो यहाँ से हम गाड़ी में हैं, फिर आगे चलते हैं ना। पहुँच चुके हैं जी नेक्स्ट ट्यूशन, और यहाँ मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। टाइम हो रहा है जी पूरे 3 का, साढ़े मतलब बस ये 12:15 ही हो रहे होते हैं जब मैं निकलती हूँ ना। गर्मी बहुत शिद्दत की हो चुकी है, और यही मेरा जो है सूरत हाल 7 बजे तक चलता है, तो 12 बजे से लेकर फ़िलहाल 7 बजे। पहले तो मुझे काफ़ी टाइम हो जाता था, मैंने अपना काफ़ी सारे ट्यूशन जैसे आपको मैंने पहले बताया शॉर्ट कर दिए हैं, क्योंकि मुझसे ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता था, फिर कोई इतना दर्द समझता नहीं है, तो बस थोड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त के है ना। गर्मी जो है वो बहुत ही ज़्यादा शिद्दत की है, और ये देखें जी बादल भी इकट्ठा हो रहा है, लग रहा है कि अब जो है ना मौसम चेंज होने वाला है। अल्लाह पाक करम करे, शायद चेंज हो ही जाए। तो यहाँ से हम लोग स्टूडेंट के घर आए हुए थे, तो मैंने कहा चलें आपको वेदर जो है ना वेदर का विज़िट करवा ही दूँ, वेदर अच्छा हो रहा है ना अब। ये भी मेरे एक स्टूडेंट का घर है जो टूट फूट का शिकार हुआ है, ये स्टूडेंट दूसरे घर में पढ़ रहे हैं आजकल। तो यहाँ से मैं जा रही थी, मैंने कहा आपको ना दिखाती, जो मुकम्मल तौर पर बादलों ने ढक लिया है पूरे आसमान को, और लग रहा है कि अब भी मूसलाधार जो है ना वो बारिश शुरू हो जाएगी, अल्लाह करे आंधी ना आए। आंधी जो है ना वो तो बहुत ज़्यादा गंद कर देती है, वो संभालना मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, 2 ट्यूशनों की पहले छुट्टी हो गई है ना, ऑटोमेटिकली छुट्टी हुई है, तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं। बैल देते हैं, मौसम जो है वो बहुत ही खूबसूरत हो रहा है और सुहाना हो रहा है। सो लास्ट ट्यूशन को हम पढ़ाएंगे और उसके बाद जाएंगे जी घर। देखें ये वेदर की सूरत हाल है, देर से आ चुकी हूँ और शेर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी वजह से परेशानी हुई हुई है। इनको कह रहे हैं कि मुल्तान चले जाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास, लेकिन इनके पास हिम्मत ही नहीं है अभी, तो इसलिए कर रही हूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा। एसी वाला कहाँ है आज? एसी वाला भी आ रहा है, और हमारा एसी देखें आज तारीख हो रही है 22 जो मेरा अप्रैल में चल जाता है, अप्रैल के एंड में मेरा एसी चलता है, मई में भी चलता है, फिर उसके बाद जून, अब जून स्टार्ट होने वाला है। एक बार फिर सुनो, और सुबह इन्होंने कुरान नहीं पढ़ा था, अब ये पढ़ रहे हैं। इनको इतना तेज़ टेम्परेचर है, आप इनकी हालत देखें तो आपको पता लगे, कोई हमें आज खाने पकाने का होश नहीं है। आप चलो, तो देख थोड़ा मैं इनको बढ़ा लूँगी। हेलो, ये जा रहे हैं जी हॉस्पिटल, सिर्फ 1000 उठाने हैं, तो उठाते हैं जी पैसे। ये इतनी गर्मी में पंखा बंद, मैंने अभी गलती से चलाया था एंड फिर बंद करवा दिया, और ये इनका कंबल है। चाबियाँ, चादर देवा कोई? अच्छा मैं चाहिए वहाँ एक ही ना। ए ठीक है, ये जा रहे हैं जी हॉस्पिटल, सही है। अल्लाह पाक उनको सेहत दे। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलग।